एंड पेरेंट माई सेल्फ विपुल शर्मा फ्रॉम डॉक्टर एडिजोन। आज की हमारी यह वीडियो होने वाली है चाइना में सिचुएटेड फुजियान मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। फुजियान मेडिकल यूनिवर्सिटी चाइना की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आती है। यह यूनिवर्सिटी में आपको पूरी स्टडी इंग्लिश में कराई जाती है। फुजियान नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी फुजोंग सिटी में सिचुएटेड है। फुजोंग सिटी फुजियान प्रोविंस की एक सबसे बड़ी सिटी है। अगर एरिया की बात करें तो मोर देन 8 लाख स्क्वायर मीटर्स में यह यूनिवर्सिटी फैली हुई है। इसके अंदर 22 डिग्री डॉक्टर लोकेशंस हैं। अगर मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टाफ की बात करें तो यहाँ पे लगभग 5304 लोगों का स्टाफ है, जिनमें से यूनिवर्सिटी में टीचर्स जो उनसे कैंपस में आपको पढ़ा रहे हैं वह 736 टीचर्स हैं, जिनमें से 56% टीचर्स पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यूनिवर्सिटी की टीचिंग क्वालिटी के साथ साथ यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के भी उतने ही अधिक चांस मिलते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के साथ 8 मेडिकल हॉस्पिटल एफिलेटेड हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 24 टीचिंग हॉस्पिटल इस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं, 2 क्लिनिकल कॉलेजेस इस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं और 20 इनके प्रोफेशनल टीचिंग बेसिस भी हैं, जहां पे जाके स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज को और इंक्रीज कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की बात करें तो आपको 24 आवर्स लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी की अगर लाइब्रेरी में बुक्स की वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 14,30,000 बुक्स तो स्टूडेंट्स को वहाँ पे 24 घंटे अवेलेबल रहती हैं लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी इतनी बड़ी है कि यह 25,600 स्क्वायर मीटर्स में यह लाइब्रेरी फैली हुई है, यानी कि स्टूडेंट किसी भी मर्जी टाइम जाके लाइब्रेरी में अपनी स्टडी कर सकते हैं 24 घंटे में। और इवन हर साल इंटरनेशनल ग्रुप अपने सेमिनार्स के लिए, अपने टैलेंट प्रोग्राम के लिए इस यूनिवर्सिटी में विजिट करते हैं, लाइक इंडिया, USA, जापान, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। इन पिछले 5 सालों में इन कंट्रीज से लगभग 160 ग्रुप यहाँ पे आके अपना लेक्चर दे चुके हैं। लगभग 700 से अधिक लोगों ने यहाँ पे विजिट किया है इस यूनिवर्सिटी में, USA और जापान, ऐसी अलग अलग देशों से। तो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आपको पता है कि चाइना गवर्नमेंट इस साल से हर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगी, बेशक वह कुछ भी स्कॉलरशिप हो, हर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलेगी। पहले भी स्टूडेंट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, रशिया, जर्मनी से आके यहाँ पे अपनी स्टडी कर रहे हैं, जो उनसे कि स्कॉलर बेस पे यहाँ पे अपनी स्टडी कर रहे हैं। और इवन इन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को फ्री लाइब्रेरी एक्सेस मिलता है, जब तक वह अपनी पूरी स्टडी कंप्लीट नहीं कर सकते कर लेते। अगर इस यूनिवर्सिटी में MBBS के क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे आपका MBBS का टाइम पीरियड है 5 साल, यानी कि 5 साल आपका क्लिनिकल टाइम रहता है और 1 साल आपका इंटर्नशिप का टाइम रहता है। अगर हम चाइना को अदर कंट्री से बेटर माने तो एक रीज़न यह है कि MCI हमारी इंडिया की मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऐसी, चाइना एक केवल ऐसी कंट्री है जहाँ की इंटर्नशिप को हमारे इंडिया में वैलिड मानती है, यानी कि अगर आप 6 साल चाइना में लगा के आते हैं तो आपको वापस आके केवल एग्ज़िट एग्ज़ाम देना है, जौन सा कि इस बार से हर स्टूडेंट को देना, चाहे वह इंडिया से करे चाहे अब्रॉड से करे, तो कोई फ़र्क नहीं रह गया। अगर हम यूनिवर्सिटी की क्वालिटी की बात करें तो आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है, फैकल्टी हर टाइम आपको अवेलेबल रहता है, हर तरह की आपको मार्केट यहाँ पे अवेलेबल है, आपको लाइब्रेरी 24 आवर यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको इंग्लिश, केमिस्ट्री और बायो में 80% मार्क्स चाहिए और फिज़िक्स में नॉट लेस देन 70, यानी कि आपको अगर इतने मार्क्स हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका नीट क्वालिफाई है तो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी, अगर आपकी इतने मार्क्स और इतने नीट में स्कोर आता है।
अदरवाइज आप किसी के भी चांसे में ना आइए, जो भी आपको कहता है कि मैं आपके 50% पे एडमिशन करा रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहा है। अगर हम इस यूनिवर्सिटी के फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी का सालाना फ़ीस है 35,000 RMB। अगर हम इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो यह इसकी लगभग फ़ीस 3.5 लाख पर ईयर रहती है। अगर हम हॉस्टल्स की बात करें तो आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल रहेगी। आपको शेयरिंग में यानी कि 4 शेयरिंग में आपको रूम मिल जाएगा, 3 शेयरिंग में आपको रूम मिल जाएगा, 2 शेयरिंग में मिल जाएगा रूम, इवन आपको सिंगल अपार्टमेंट भी आप ले सकते हैं। उस हिसाब से यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की फ़ीस रहेगी। अगर हम फूड की बात करें, अगर स्टूडेंट खुद फूड बनाता है तो उसका मंथली खर्चा 5 से 6 हज़ार रुपये आता है। उसको इंडियन ग्रोसरीज यूनिवर्सिटी की आसपास मार्केट में मिल जाती है। अगर हम इस सिटी की कंपैरिजन शिंघाई या बीजिंग जैसे शहरों से करें तो यह शहर उन शहरों से काफ़ी सस्ता है। यहाँ पर लिविंग कॉस्ट काफ़ी कम आती है, तो आप अपने पैसे सेव कर सकते हैं। डॉक्टर एडिजोन अपनी सर्विस और अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है। जो हम वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। स्टूडेंट्स को इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट से लेके चाइना के एयरपोर्ट तक सारे की सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने से लेके वहाँ पे उसको हॉस्टल अलॉटमेंट से लेके लाइब्रेरी कार्ड इशू कराने तक डॉक्टर एडिजोन स्टूडेंट के साथ रहता है। इवन यहाँ नहीं, 6 साल जब तक स्टूडेंट की अपनी MBBS की डिग्री आपकी कंप्लीट नहीं होती, डॉक्टर एडिजोन स्टूडेंट्स के कॉन्टैक्ट में रहता है। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग माई वीडियो। माई सेल्फ विपुल शर्मा फ्रॉम डॉक्टर एडिजोन।